हम अब अपने एयरबीएनबी से निकल आए हैं। तकरीबन 5 बजे हम आज निकले, इतनी लेट तो मेरे ख्याल से हम कभी भी नहीं निकले। वजह ये है, पिछली बार जब हमने फेरी बुक की थी फिनलैंड जाने के लिए तो हमने स्टॉकहोम से बुक की थी, नियर सिटी सेंटर से जानी थी फेरी। और जब हमने कल रात को फेरी बुक की तो हमें लगा अब दोबारा उधर से ही होगी फेरी, लेकिन बुक करने के बाद पता लगा कि 108 किलोमीटर दूर वाले फेरी पोर्ट से चलेगी। हमने फैसला लिया कि 2 दिन में तकरीबन ये सफ़र पूरा करते हैं। आज तकरीबन 30 किलोमीटर चलेंगे, कल को फिर तकरीबन 80 किलोमीटर, और फिर 2 दिनों में पहुंच जाएंगे। आखिर में अब सब कुछ सही हुआ, साइकिल हमें नई मिल गई, मेरा पैकेट भी नया आ गया, जो बाकी की चीज़ें थी जो हमें नहीं चाहिए थी, जो मगी और मेरे पास डबल थी वो हमने वापस भेज दी जर्मनी में। और अब ये रास्ते हर जगह यहाँ से बंद ही हैं, ये कंडीशन निश्चित बैठा Er sagt, das ist der richtige Weg. War zu, ne? Ja. Und nun? Ich weiß nicht, wo sie dann hin sind. Dann lass uns ein Stück zurück. Hier ist eine alternative Route. जैसा कि आप देख लें, साइकिल हमारी तैयार हो गई है। पिछले 2 दिन तक मैं काम करता रहा और मुझे ऐसा लग रहा है जो उन्होंने अब हमें साइकिल बनाकर भेजी है कहीं ज़्यादा अच्छी है। हर तार फ्रेम के अंदर से जा रही है और एक भी आवाज़ नहीं निकल रही साइकिल चलाते वक्त। पहली दफ़ा है हमारे सफ़र पे कि हम 7 बज गए और इतनी लेट साइकिल चला रहे हैं। कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और फिर कल को होगा हमारा लंबा दिन, 80-85 किलोमीटर। अब यहाँ पर कोई जगह मिल जाए रहने के लिए। स्वीडन जितना खूबसूरत मर्जी है, हम अब जल्द से जल्द फिनलैंड पहुंचना चाहते हैं और ये चैप्टर जिसमें हमारी साइकिल चोरी हुई उसे अपने पीछे छोड़ना चाहते हैं। कल हमने सिर्फ 30 किलोमीटर का सफ़र किया और रात में पहुंचे। क्योंकि फेरी पोर्ट 108 किलोमीटर दूर है, हमने आज 88 किलोमीटर करने हैं। बस उम्मीद है कि आज सफ़र आसान रहे और ज़्यादा चढ़ाइयाँ ना हो, बारिश ना हो और सड़कें भी कोई बंद ना हो, फिर हम इंशाल्लाह आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। 7 किलोमीटर उम्मीद nur weil die Straße gesperrt ist. Heute die ganze Zeit überall, wo wir hinfahren, die ganze Zeit nur Absperrungen und wir kommen echt kein Stück weiter. Wir haben schon 8 Kilometer Umweg genommen
Jetzt wollte wieder, dass wir 7 Kilometer am Weg nehmen. Jetzt sind wir die Brücke runter durch das Waldstück einfach gekommen. Wir sind jetzt an der Straße. आज सुबह हम तकरीबन 8 बजे बेड से निकले और हमें फिर से तकरीबन 1.5 घंटा लग गया सब कुछ पैक करते हुए, और हमारा सामान जो है हमने सही तरह पैक भी नहीं किया जो हमने शुरू में सॉर्ट किया था कि इस बैग में ये चीज़ रखेंगे, दूसरे में सिर्फ वो चीज़ें रखेंगे, वो सही नहीं हुआ। कल जल्दी में हम निकले इसलिए दोबारा सब कुछ निकाल के सही करना पड़ेगा। लेकिन अब हम निकल आए हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, पहली दफ़ा है कि मैंने अपने कानों के ऊपर मफलर बांधा हुआ है। आज हमने नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि हमारा खाना ख़त्म हो गया था, हमारे पास सिर्फ कुकिंग वाली चीज़ें हैं और वो हम निकाल कर कुक नहीं करना चाहते थे क्योंकि फिर और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आज तकरीबन 80 किलोमीटर है, चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, ठंड है, कभी पसीना चढ़ता है कभी ठंड लगती है, लेकिन कोई नहीं, जल्दी निकल आए हैं। 10 बजे हैं तकरीबन, रास्ते में मार्केट आएगी, वहाँ से खाना ख़रीदेंगे। लेकिन जगह काफ़ी खूबसूरत है जहाँ से हम चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है साइकिल चलाते वक्त। ओके, कल चलनी है हमारी फेरी 7 बजे और 7:45 चेक इन बंद होना है। इसका मतलब der Dieb Assad schlägt wieder zu. Der Obstdieb. Und steckt sie mir in den Korb. Unglaublich. Ye dekhe. Jab main sab lekar aata hu तो फिर हमेशा मुझे सुनने को मिलता है कि ये सही नहीं है, ऐसे किसी के सेब नहीं लेते। और जब सफ़र जारी करते हैं तो सबसे पहले देखो सेब कौन खाना शुरू करता है। साठ किलोमीटर अब हम आ गए हैं, ये रास्ते में ये एक सेमेट्री से गुजर रहे थे और इसलिए अब मगी पानी लेने गई है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पूरे दिन बारिश हो रही है, कभी तेज़ कभी आहिस्ता, अब आहिस्ता हो रही है इसलिए मैंने कैमरा दोबारा निकाला।
आज बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, रास्ता बहुत मुश्किल है। हमने रास्ते में, हमें याद आया हमारे पास थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स और दूध थे, वो खाए और अब हम आगे जा रहे हैं। तकरीबन 20-30 किलोमीटर बाद दोबारा कोई सुपरमार्केट आएगी, फिर हम खाना लेकर आएंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। आज बहुत मुश्किल लग रहा है साइकिल चलाना, एक तो 2.5 हफ्ते का ब्रेक था, ऊपर से प्रोग्राम 80 किलोमीटर का था, अब 90 हो गए हैं। हमेशा कहीं रास्ता बंद होता है या कुछ होता है। चलो पहुंचना तो अब है कल को 7 बजे, फेरी जो लेनी है। कोई नहीं, ये भी हो जाएगा। आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, मेरे पैर ठर गए हैं, उंगलियां भी ठंडी हो गई हैं। अब क्या करूं, जैकेट भी पहनी हुई है पूरे दिन, मफलर भी बांधा हुआ है सर पर, फिर भी ठंड लग रही है। लेकिन साथ में पसीना भी इतना ज़्यादा चढ़ रहा है, जर्सी पहनने को दिल नहीं कर रहा। नहीं तो हर कुछ मिनट बाद जर्सी उतारो पहनो उतारो पहनो। Na, was gibt's Leckeres zu essen? Brot und Wurstbrot, Kekse, Mayonnaise und für dich. Oh Mann. Sehr schön. Dann weiter geht's. Ja. 33 Kilometer. Oh, ist ja gar nicht mehr so viel. Schaffen wir. Ja. Wir sollen jetzt auf die Autobahn. Oder ist es ein Weg neben der Autobahn? जब हमने Google चेक किया तो वहाँ वाकई लिखा था कि हाईवे E18 पर साइकिल चलाने की इजाज़त है। बड़ा ही अजीब लग रहा था हाईवे पर साइकिल चलाना, लेकिन और कर भी क्या सकते थे। ठंड थी, बारिश हो रही थी और आज 90 किलोमीटर भी करने थे और लंबे चक्कर काटने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने रिस्क लिया और हाईवे पर चले गए। हम अब सिर्फ पहुंचना चाहते हैं। कुछ किलोमीटर के बाद हमें हाईवे के पास एक बिल्कुल नया साइकिल का रास्ता नज़र आया और हम फौरन हाईवे से उतरे। यहाँ पर साइकिल चलाना कहीं ज़्यादा आसान है। बारिश भी आज तेज़ हो रही थी, हमने फिर दोबारा कैमरा भी नहीं निकाला और सिर्फ साइकिल चलाने पर ध्यान दिया। रात को हम बीकते हुए एक कैंपिंग साइट से गुजर रहे थे जो सिर्फ कुछ ही मीटर फेरी पोर्ट से दूर था। क्योंकि हम सुबह 4 बजे उठ के बारिश में अपना टेंट नहीं पैक करना चाहते थे, हमने फैसला लिया कि यहाँ पर एक कमरा ले लेते हैं एक रात के लिए और इस तरह हम 1 घंटा ज़्यादा सो भी लेंगे और अपनी सारे कपड़े सुखा भी लेंगे। रिसेप्शन पर जो औरत काम कर रही थी वो भी हैरान थी कि ये दो साइकिलिस्ट इतनी तेज़ बारिश और रात में यहाँ क्या कर रहे हैं। उसे नज़र आ रहा था कि हमें बहुत ठंड लग रही थी और उसने हमारे लिए सोना चला दिया ताकि हम गर्मी एंजॉय कर लें और हमें खूब पसीना भी चढ़े। सोना के बाद और नहाने के बाद तो बहुत भूख लगती है, इसलिए हमने खाना बनाया। खाना इतना ज़्यादा बनाया कि कल को हम आराम से शिप पर भी खा सकते हैं। अब हम खाते हैं खाना और फिर भरे हुए पेट के साथ सो जाएंगे। मिलते हैं फिर कल को।
durchgeschlafen, oder? Ich habe einen Wecker um 4.55 Uhr gestellt. Ja, ist auch gut so. सुबह के 6 बजे टाइम पर निकल आए हैं, 6:30 बजे चेक इन है। सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा ख्याल है। देखते हैं कहाँ पर जाना है। फेरी पोर्ट पर तो हम पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर चेक इन का काउंटर कहाँ पर है? बोर्ड भी कोई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर गाड़ियों की एक लाइन लगी हुई है, शायद हमें यहाँ नहीं खड़ा होना था। सिक्योरिटी की एक औरत आई और उसने हमें फिर सही रास्ता दिखा दिया। piece of paper, yes. It gave us this? Yes, that is the code. Ah, okay. So 4-6. Thank you. Check-in sara acche guzra. Ticket se hame mil gayi. Hum ab entry kar gaye hain ferry port par. और अब हम यहाँ अपनी लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं कि खुले और हम शिप के ऊपर जाएं। Wir sind in Finnland! Juhu! अब हम फिनलैंड पहुंच चुके हैं, कंट्री नंबर 4 साइकिल के साथ। सूरज निकला हुआ है, मौसम बहुत अच्छा है, स्वीडन में बारिश हो रही थी। अब हम आराम से
एक कैंपिंग स्पॉट ढूंढते हैं और वहाँ पर टेंट लगाते हैं। 5 बजे हैं, फिर भी हम अब कैंप ढूंढते हैं क्योंकि हमारे बैग सारे ख़राब हुए हुए हैं, चीज़ें इधर उधर डाली हुई हैं, कोई सॉर्ट नहीं की हुई, उसको पहले सही करते हैं। और दूसरी बात, हम 4-5 बजे के उठे हुए हैं, थकान बहुत ज़्यादा है। मगली तो सो गई थी थोड़ा सा शिप के ऊपर, मैंने पूरा वक्त काम किया और अब आज ज़रा आराम करते हैं सिर्फ थोड़े किलोमीटर बाद, और कल को फिर करेंगे सही। 300 मीटर jetzt schon ein paar Minuten vom Schiff runter und suchen immer noch einen Schlafplatz. Assad hat sich gerade eben einen kleinen Hügel angeschaut. Mal gucken, was er sagt. Und? Sehr gute, nicht sehr gute, gute Plätze, aber man kann dich von allen Seiten sehen. So wie wir das jetzt sehen können, kann man das von der Seite sehen und von der Seite. हमें सोने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, या तो ज़मीन सीधी नहीं थी और या तो टेंट की जगह घरों के बिल्कुल पास थी और टेंट लगाने की इजाज़त नहीं थी। 7-8 कैंप स्पॉट्स देखने के बाद हमें एक बड़ा सा पत्थर मिला जिसके ऊपर अच्छी जगह थी। अब हम पहले अपनी साइकिल और उसके बाद अपना सारा सामान ऊपर लेकर जाते हैं और फिर आराम से अपना टेंट लगाएंगे और रात यहाँ पर गुजारेंगे। Echt kalt.